सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। आई एम सुनील कुमार। मैं इस वीडियो में आज रिंग का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट थ्योरम ये है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो एक ये है और एक और मैं थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव भी करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इसके पहले भी मैं कुछ YouTube में वीडियो डाल चुका हूँ रिंग से रिलेटेड, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। और अगर इस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम को, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए, हम लोग को फील्ड, अब यहाँ पर देखिए कि फील्ड जो है उसको दिखाना है कि ये इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो फील्ड अगर कोई भी मान लेते हैं कि ये फील्ड है, तो वो तीन चीज होता है। सबसे पहला कम्यूटेटिव रिंग होता है, और यूनिटी एलिमेंट होता है, और उसमें नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये तीन चीज होता है। और दिखाना क्या है फील्ड को, इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए भी यहाँ पर तीन चीज होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, और क्या होता है यूनिटी होता है, और क्या होता है नो जीरो डिवाइजर, इसमें नो जीरो डिवाइजर। तो हम लोग को फील्ड को दिखाना है इंटीग्रल डोमेन। तो फील्ड में कम्यूटेटिव रिंग तो है, इंटीग्रल डोमेन के लिए भी कम्यूटेटिव रिंग चाहिए, यूनिटी है यहां भी यूनिटी चाहिए, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नॉन जीरो एलिमेंट का, और हम लोग को चाहिए नो जीरो डिवाइजर। तो हम लोग को सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन के लिए, दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ नो जीरो डिवाइजर अगर दिखा दे तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा फील्ड। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के लिए दो कंडीशन ये जो है वो कॉमन है, फील्ड में भी है। अगर फील्ड है तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। एक और कंडीशन जो है नो जीरो डिवाइजर, ये अगर हम लोग सेटिस्फाई करवा दे तो ये फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि सपोज कर रहे हैं कि ए प्लस डॉट बी एनी फील्ड, देयरफॉर एफ इज ए कम्यूटेटिव रिंग, एफ एक कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा विद यूनिटी होगा एंड पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। इन ऑर्डर टू शो दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एफ हैज नो जीरो डिवाइजर। हम लोग को ये काफी है ये दिखाना कि इसमें नो जीरो डिवाइजर हो। और नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि अगर ए और बी एफ का मेंबर मैं मान लेता हूँ और ए और बी दोनों का प्रोडक्ट जीरो मान लेते हैं हम लोग, तो या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। अगर ऐसा आ जाए तो उसी को कहते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि यही हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इक्वल टू जीरो। हम लोग ए बी कोई भी दो फील्ड का मेंबर ले रहा हूं और ए नॉन जीरो ले रहा हूं और साथ में दोनों का प्रोडक्ट जीरो ले रहा हूं। सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये जरूर एग्जिस्ट करे। क्यों, क्योंकि ये फील्ड है ना, तो फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब सिंस यहां देखिए ए बी इज इक्वल टू जीरो है, दोनों साइड हम लोग ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी, प्री मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ए इनवर्स इंटू जीरो। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉरी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड में। तो ये ए इनवर्स इंटू ए को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और बी को बाद में,
जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही होगा। ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वन इनटू बी इज इक्वल टू जीरो, और वन को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट होता है, तो बी इक्वल टू जीरो। तो क्या दिखा दिया हम लोग, दिखा दिया हूं मैं यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू अगर जीरो है तो इम्प्लाइज बी इक्वल टू जीरो। यहाँ ए बी इज इक्वल टू जीरो मान करके दिखा दिए हैं बी इक्वल टू जीरो। ये कब हुआ, अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब। दूसरा मैं लेता हूं, लेट ए बी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी मैं ले रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू एस, बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या ले रहा हूं कि कोई भी दो एलिमेंट मैं ले रहा हूं फील्ड का, और बी नॉन जीरो है और ए बी इज इक्वल टू जीरो है। तो चूंकि बी जो है वो यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट है, इंप्लाइज बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए आप ए बी इज इक्वल टू जीरो हम लोग माने हुए हैं, यहाँ पर बी इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ए बी इंटू बी इनवर्स, और इधर भी बी जीरो इंटू बी इनवर्स, ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ये दोनों को एक ब्रैकेट में, और यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही होगा। तो ये आप देखिए ए इंटू वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या प्रूव किया हूँ यहाँ पर, आप मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं एक बार पीछे हट जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैं क्या प्रूफ कर चुका हूँ कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ए बी अगर जीरो है, बी नॉन जीरो है, ए जीरो है, तो वी हैव, हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो आ रहा है या बी जीरो आ रहा है। अगर ए को नॉन जीरो मानते हैं तो बी जीरो आ जाता है, अगर बी को नॉन जीरो मानते हैं तो ए जीरो आ जाता है। तो ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एस हैज नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर आ गया। अब जब नो जीरो डिवाइजर आ गया तो देयरफॉर एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, और यही प्रूफ करना था इंटीग्रल डोमेन। ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम एक हम लोग प्रूफ किए। अब इसके बाद हम लोग फिर प्रूफ करेंगे कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो चलिए उसको देखते, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो जरूर एक फील्ड हो, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ध्यान दीजिएगा, एवरी इंटीग्रल डोमेन नहीं बट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। तो कैसे होगा, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम लोग डी प्लस डॉट कोई भी एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो देयरफॉर डी इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड हैविंग नो जीरो डिवाइजर, एंड हैविंग नो जीरो डिवाइजर। इस डी जो है वो जब इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव रिंग भी होगा, यूनिटी भी होगा और उसमें नो जीरो डिवाइजर होगा। फील्ड में क्या होता है, फील्ड में भी कम्यूटेटिव होता है, रिंग होता है, यूनिटी होता है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल डोमेन होने के कारण कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो है, फील्ड में भी इतना सारा कंडीशन चाहिए। तो एक और एक्स्ट्रा क्या कंडीशन चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर दिखा दे कि डी का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर है तो ये फील्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर D एक फाइनाइट सेट ले रहे हैं क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। तो सपोज कर रहे हैं ए वन ए टू डॉट डॉट ई एन, इसमें से n एलिमेंट है D में, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स D में है। तो इन ऑर्डर टू शो दैट D इज ए फील्ड, अब इसको फील्ड दिखाना है तो वी ओनली हैव टू शो दैट
D has multiplicative inverse for every non-zero element in D. अब सिर्फ एक ही condition और दिखाना है, कौन सा condition? कि every non-zero element का multiplicative inverse होगा. अब देखिए इसको कैसे दिखाएंगे. For this purpose, let A not equal to zero. जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका एक element A है और वो A कोई भी हो सकता है, A1, A2, A dot dot An में से कोई भी A हो सकता है, लेकिन वो non-zero है. अब दिखा देंगे कि इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी में होगा, ये दिखाना है. तो लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ डी एंड कंसीडर द सेट. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ए जो है इसी में से कोई है और इसके साथ हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो डी वन कैसे निकाल रहे हैं, ए इंटू ए वन, इसके साथ भी ए को प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए इसके साथ भी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ भी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो सारे एलिमेंट में हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बन गया. अब ये दिखाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट में कोई भी दो प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, यानी सारा प्रोडक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है. ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी वन आर डिस्टिंक्ट. तो ये कैसे हम लोग दिखाएंगे, चलिए इसके बारे में. हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि D1 का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो कैसे अपने क्लेम को प्रूव भी करना पड़ेगा. फोर हम लोग सपोज कर लेते हैं A into AI is equal to A into AJ. इसका कोई भी दो प्रोडक्ट हम लोग मान लेते हैं कि दो प्रोडक्ट इक्वल है, यहाँ I और J नॉट इक्वल टू, I नॉट इक्वल टू J. हम लोग मानते हैं कि I और J इक्वल नहीं है. मान लीजिए I की जगह 2 लेते हैं और J के जगह 5 लेते हैं और A के साथ प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ भी A के साथ प्रोडक्ट हुआ है, ये दोनों को इक्वल मान लेते हैं. अब इक्वल मानते हैं तो क्या आता है, जरा समझिए. तो इम्प्लाइज आप इसको इधर ले आइए, तो A इंटू ए आई माइनस A इंटू ए जे, रिंग में ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू जीरो. अब A यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो. अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है और ये जो D है इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है और दो का प्रोडक्ट जीरो है, और अगर फर्स्ट नॉन जीरो है तो निश्चित रूप से सेकेंड जीरो होगा. क्यों? क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर होता है. अगर दो का प्रोडक्ट जीरो है और दो का सपोज कीजिए ए बी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी निश्चित रूप से क्या होगा, जीरो. कुछ ऐसा ही यहाँ पर, ये प्रोडक्ट जीरो है और ए नॉन जीरो है, क्योंकि शुरू में हम लोग मान चुके हैं A not equal to zero. तो A not equal to zero है, इसीलिए second वाला product जरूर zero होगा, यानी कि AI minus AJ is equal to zero. क्यों? क्योंकि यहाँ पर since A not equal to zero है and D is an integral domain. अब देखिए यहाँ से जब ये zero आ गया तो इसका मतलब AI is equal to AJ हो रहा है. अब ए आई इक्वल टू ए जे का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आई की जगह हम लोग अगर 3 मान रहे हैं, जे की जगह 5 मान रहे हैं, तो ए 3 इक्वल टू ए 5, जो कि पॉसिबल नहीं है. ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. डी में जो एलिमेंट हम लोग माने ए 1 ए 2 डॉट डॉट, ये सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इसका कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. इम्प्लाइज वी गेट ए कंट्राडिक्शन, वी गेट ए कंट्राडिक्शन दैट डी हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट. तो हम लोग कोई कंट्राडिक्शन बन रहा है कि जो डी डिस्टिंक्ट एलिमेंट था सभी में, डी का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट था, वो यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जो हम लोग ये माने हैं वो इक्वल नहीं होगा. तो देयरफॉर ए इंटू ए आई नॉट इक्वल टू ए इंटू ए जे. अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे लिखूंगा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो अब देखिए कंसिक्वेंटली डी वन हैज एन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, डी वन में एन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है. देखिए मैं यहाँ पर दिखाया था कि D जो है वो उसमें A1, A2, डॉट डॉट AN एलिमेंट लिए थे हम लोग, और D1 एक सेट बनाए थे
जो a इंटू ए वन ए इंटू ए टू डॉट डॉट ए इंटू ए एन ये सेट मैं बनाया था डी वन। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, अभी प्रूफ कर चुके हम लोग इसका कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसका मेंबर होगा, वो डी का ही मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ए भी डी का मेंबर है, ए वन भी डी का मेंबर है, और डी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहां सेटिस्फाई होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से a इंटू ए वन भी किसका मेंबर होगा, d का। तो ये जो एलिमेंट है ये अलग नहीं है बल्कि इसी का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट अलग नहीं है, ये भी किसी ना किसी कोई ना कोई एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसा आप इसको ऐसा समझिए, d एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, यूनिटी तो वन होगा ही, और सपोज कीजिए यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री बस इतना ही एलिमेंट है, फोर एलिमेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इसी का कोई मेंबर हम लोग लिए, ए जो है वो इसी का, सपोज कीजिए ए टू को ही हम लोग ए माने, और हम लोग डी वन एक सेट बनाए हैं जिसमें क्या किए हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए इंटू वन फिर ए इंटू ए वन ए इंटू ए टू ए इंटू ए थ्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली चीज़ है ये, देखिए इसका कोई भी एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, फोर, और ये जितना भी एलिमेंट है वो सब तो डी का ही मेंबर हो, डी में भी कितना एलिमेंट है, फोर, तो ये जो फोर एलिमेंट आ रहा है वो इसी में से किसी ना किसी के बराबर होगा। सपोज कीजिए ये जो है वो इसी में से किसी ना किसी के बराबर होगा, सपोज कीजिए ये ए थ्री है, ये सपोज कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो ए वन है, ये सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट वन है, और ये सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट जो है कौन सा बच रहा है ए टू, तो ए टू है। तो ये अलग नहीं है, डी वन का एलिमेंट अलग नहीं है बल्कि इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट है, अलग ऑर्डर में लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ वन ए वन ए टू ए थ्री था, ये हो जाएगा ए थ्री ए वन वन ए टू, अलग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो है वो डी का ही एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर है, ये सारा जो प्रोडक्ट है वो डी का ही प्रोडक्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो ये इसी में से किसी ना किसी के बराबर होगा। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए अब क्या मैं लिख रहा हूँ कि दस द एलिमेंट्स ऑफ डी वन आर एलिमेंट्स ऑफ डी प्लेस्ड इन सम ऑर्डर। तो जो डी वन का एलिमेंट है वो डी का ही एलिमेंट है, अलग अलग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि डी वन का जो एलिमेंट है वो डी के एलिमेंट के ही इक्वल है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। फर्दर डी हैज यूनिट एलिमेंट, डी में एक यूनिट एलिमेंट भी होगा, जैसे यहाँ पर डी में यूनिट एलिमेंट है, इसमें भी डी में कोई ना कोई यूनिट एलिमेंट होगा क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अब देखिए वन डी का मेंबर है तो वन डी वन का भी मेंबर होगा, वन एक्चुअली डी का मेंबर है तो वन जो है वो डी वन का भी मेंबर होगा, डी वन में भी कोई ना कोई एलिमेंट वन के बराबर होगा ही। क्यों? क्योंकि डी वन और डी अलग नहीं है बल्कि सेम है, सिर्फ ऑर्डर अलग हो सकता है एलिमेंट्स का। तो डी में अगर वन है तो डी वन में भी वन होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन डी सच दैट ए बी इक्वल टू वन। तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे इसी को बी मान लीजिए, इसको आप बी कहिए, ये b कह रहे हैं a2 को, ताकि a इंटू बी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये यही सब एलिमेंट है तो वन भी किसी ना किसी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट वन है, मतलब a के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ताकि उसका वैल्यू वन आ जाए। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि b मिल जा रहा है और ऐसा मिल रहा है ताकि ए बी इज इक्वल टू वन, और b चूंकि कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव है तो ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू वन है तो बी ए इज इक्वल टू बी वन हो जाएगा। और आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन याद कीजिए, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर यूनिटी के बराबर हो, वन के बराबर हो, तो बी को कहते हैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी बी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बी जो है वो डी का ही मेंबर है, तो दस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए का इनवर्स जो है वो बी होगा और वो बी डी का ही मेंबर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट इन डी, hence D is a field, तो D field हो गया। तो every finite integral domain is a field। तो friends ये था important theorem
रिंग का, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आप इस थ्योरम को जरूर कर लीजिए बढ़िया से। और ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी रह गई, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप देखते रहिए, इसी तरीके से मैं लेटेस्ट अपडेट कुछ देते रहूँगा आप लोग को। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।